जैसा कि आपको पता है नीट यूजी 2023 का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। इसका रिजल्ट आप ऑनलाइन वेबसाइट पर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट हिंदी पेज का लिंक मौजूद है, जहां से क्लिक करके आप विजिट भी कर सकते हैं। वेबसाइट हिंदी के इस पेज पर आने के बाद में आपको मिल जाएगा लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने मिल जाएगा क्लिक करके बटन पर, क्लिक करके आपके न्यू टैब में एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इस सिक्योरिटी कोड को यानी कि कैप्चा को इस बॉक्स में दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं लाइव प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको फ्रेश पता चल जाए कि यह नीट का स्कोर कार्ड ही है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट का स्कोर कार्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है सभी डिटेल्स। यहाँ पर देखिए ऑप्टेंड स्कोर है जो कि दिया गया है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है अलग अलग मार्क्स कितना प्राप्त होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए, यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 50 दिया गया है, ओबीसी के लिए 40% दिया गया है और एससी एसटी के लिए भी 40-40 दिया गया है। यहाँ पर कट ऑफ स्कोर भी दिया गया है, कैंडिडेट का डिटेल भी दिया गया है। यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, इसको आप नीचे रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि कैटेगरी रैंक कितना आया हुआ है। यदि आप एनसीएल हैं तो यहाँ पर एनसीएल का भी दिया गया है। एनसीएल में जो भी छूट दिया गया होगा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस स्कोर कार्ड को डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। ऊपर में मिल जाता है प्रिंट बटन, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप सेव करना चाहते हैं तो जहाँ भी डेस्कटॉप पर किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई नाम दे देता हूँ। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में सेव हो जाएगा। यह काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल पर करने के लिए किसी भी ब्राउजर का सहारा आप ले सकते हैं। इस वीडियो में बताया हूँ नीट यूजी 2023 का स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे वेबसाइट हिंदी पेज पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं और सवाल को वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।